अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे भी इजहार है, सब खैर से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल विद मी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही डिफरेंट है, डिफरेंट स्टाइल की वीडियो है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूं, आज मैं आपको जो नेल्स के डिज़ाइन हैं वो मैं डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में, जिसमें 3D होंगे। इसके अलावा वेडिंग के नेल्स डिज़ाइन होंगे, डिफरेंट नेल स्टाइल्स होंगे। तो बहुत अच्छी वीडियो होगी और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वैसे ही मैंने सोचा कि कपड़ों की जो वीडियोस हैं वो तो मैं आपके साथ इतनी शेयर करता हूं, तो क्यों ना आज आपके साथ लेडीज़ की जो डिफरेंट स्टाइल की है वो वीडियो शेयर करूं। तो इसलिए मैं आपके साथ नेल्स के डिज़ाइन लेके आया हूं, और चुन चुन के डिज़ाइन जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बल्कि सारे ही डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, तो इस वीडियो में वो सारे आपके साथ शेयर करूँगा। और इनके साथ मैंने फ्रेंड्स जो नेम है वो भी मैंने साथ मेंशन किए हैं, ताकि उससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, जिससे मुझे भी कुछ अंदाज़ा हुआ था। अदरवाइज़ मुझे इनकी जो डिज़ाइनिंग की वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो साथ उनके जो नेम लिखे हुए हैं, जैसे ये रेनबो नेल आर्ट डिज़ाइन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रेनबो टाइप है, तो उसी तरह से उसी रिलेटेड के ये वाले डिज़ाइन होंगे। फ्रेंड्स, वो लोग जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी को भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद वीडियो जो है वो भी आपको प्रॉपर टाइम पर मिल जाए। और वो लोग, वो व्यूअर जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ब्लू वेडिंग ये वाला जो नेल डिज़ाइन था मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसमें और भी काफ़ी डिज़ाइन है फ्रेंड्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और बहुत से डिज़ाइनिंग इस तरह की जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी कि इस तरह के स्टाइल्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल्स थे इसमें। 3D जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगे थे। इसके अलावा रेनबो वाले जो पीछे गुजरे हैं वो भी डिज़ाइनिंग, और ये वाइट और गोल्ड फ्रेंच था स्टाइल इसका, ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मेरे पास ज़्यादा जो नॉलेज तो नहीं है, तो मैंने कोशिश की है कि जैसे आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, नेम भी लिखे हुए हैं। तो बाकी फ्रेंड्स, आप तो बेहतर तरीके से जान सकते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया इन चीज़ों के बारे में, लेडीज़ जो नेल्स हैं किस तरह के स्टाइल्स होते हैं, किस तरह के नहीं होते, और ये विंटर स्टाइल्स के भी हैं, यानी नेल्स में डिज़ाइनिंग में भी होता है कि कुछ विंटर के होते हैं, कुछ समर्स के होते हैं। तो ये जो कुछ डिज़ाइनिंग है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विंटर के लिहाज से आप इस तरह के इनके डिज़ाइन आर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे जो मुश्किल चीज़ थी वो मेरे लिए यही थी कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसमें मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है जिसका मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। तो ये ब्लू कलर का नेल आर्ट है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये शायद इस वजह से ब्लू कलर जो है वो मेरा फेवरेट है, तो इसी वजह से ब्लू कलर के जो सूट हैं, और वो भी मोस्टली वीडियोज़ में मैं आपको यही कहता हूँ कि ये कलर अच्छा लग रहा है, तो नेल्स में भी ब्लू कलर है, इसके अलावा रेड कलर है, वो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये एक डिज़ाइन है टैटू नेल फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा था, डिफरेंट तरह का स्टाइल है, कुछ सिंपल सी चीज़ होती है लेकिन उसको थोड़ा सा स्टाइलिश करने से बहुत अच्छी लुक आ जाती है। जैसे ये वाला था, सिंपल वाइट था, उसके ऊपर उन्होंने लाइंस लगाई हुई थी, तो इसको नेल आर्ट कर दिया, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना दिया था। वैसे फ्रेंड्स, इस तरह की जो नेल डिज़ाइनिंग है वो मैंने बहुत कम देखी है, या बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने इस तरह की नेल डिज़ाइनिंग जिनके मैंने देखे हैं। ऑब्वियसली हमारे तो यहाँ पे जो प्लेन होते हैं नेल्स है, ब्लैक कलर या रेड कलर या सिंपल एक कलर्स के होते हैं, लेकिन ये जो आर्ट है इन्होंने दिखाया हुआ है ये बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, वो तो आपने बताना ही है, लेकिन आपको कौन सा नेल डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो पहले मैंने सोचा था कि इसकी जो पिक्चर्स हैं वो जस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो म्यूज़िक है वो मैं जस्ट इसके साथ लगा दूंगा, तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो फिर जैसे भी है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। वैसे फ्रेंड्स, इस तरह के जो नेल डिज़ाइनिंग या नेल आर्ट हैं वो मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्हीं में ज़्यादा मेरे ख्याल से यूज़ होते हैं, पाकिस्तान में या इवन के इंडिया वगैरह में, हमारी जो एशियन कंट्रीज़ है यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि बहुत कम ये कम इस्तेमाल होते हैं इनकी जो डिज़ाइनिंग है 3D और इस तरह के, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं आई होप कि वहाँ पर ये वाले डिज़ाइनिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं इनका। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो जैसे जैसे मैंने पूरी कर दी है, आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।